वैसे तो नवरात्रि का पर्व सभी जगह धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में आपको अलग ही अंदाज में नवरात्रि का पर्व देखने को मिलेगा। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मानते हैं और सभी लोग एकजुट भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें प्रतिवर्ष लोग अपने परिवार के लोगों के किसी भी भयानक कष्ट को देवी देवताओं के चबूतरे पर श्रद्धा भाव से दूर करने की प्रार्थना करते हैं एवं जब उनकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं तो वे लोग जवारे लगाकर 9 दिन तक उनकी सेवा व्रत रख कर करते हैं। जब माता की बारी काय पे लगाई तुमने? बहु बीमार हो गई थी। का होगा तो? दिमाग की बुखार। फिर गवालिया लगा गई थी। 3 दिन बहु में मशीन में दही रही, 2 दिन दवाई में इलाज भाव। दुर्गा को भज के हमने पहुंचा तो ठीक हो गई थी। नाती को ऑपरेशन भाव तो सो उनकी माता अच्छा हो जाए, हमारा नाती हम बारी लगाए पर नाती ठीक हो गया। वहीं दूसरी ओर देवी देवताओं की सवारी महिलाओं व पुरुषों में खूब देखी जाती है, जिनके सामने लोग अपनी मुरादें मांगते हैं। सार्वजनिक प्रार्थना द्वारा अच्छी बारिश और आगामी अच्छी फसल के लिए विनती की जाती है। अपने पूर्वजों से चली आ रही इस परंपरा को सजोए हुए अपनी संस्कृति धरोहर को बनाए हुए हैं। मैं शंकरलाल रेगवार, बुंदेलखंड क्षेत्र, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट से।